कोरोना महामारी के खिलाफ चल रहे लॉकडाउन के दौरान हृदयवासी सेवा समिति द्वारा सैकड़ों लोगों को निशुल्क भोजन बांटकर पुण्य का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में सेवा समिति द्वारा जोनल अस्पताल मंडी में मरीजों व उनके साथ आए हुए इनके परिजनों को निशुल्क भोजन वितरण किया। समाज सेवा में जुटे हृदयवासी सेवा समिति का इस पुण्य कार्य के लिए नगर परिषद की अध्यक्षता सुमन ठाकुर ने आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि हृदयवासी सेवा समिति लॉकडाउन के दौरान लगातार गरीब असहाय लोगों को निशुल्क भोजन की व्यवस्था करने का कार्य कर रही है, जो कि सराहनीय है। वहीं नगर परिषद अध्यक्षा ने शहरवासियों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए भी अपील करते हुए कहा कि इस बीमारी का यही एक इलाज है जिसे हम सबको समझना पड़ेगा। संकट के इस घड़ी में सामान्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, सामान्य मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जो समय रखे हैं महत्वपूर्ण फैसले जनता के हित में लिए, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। वह धन्यवाद करना चाहूँगी हृदयवासी सेवा ट्रस्ट का व उनकी पूरी टीम का। आज मुझे इनके बीच में आने का मौका मिला और मेरा भी ये सौभाग्य हुआ कि आज मैंने देखा कि किस तरीके से ये लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान और अभी तक इन्होंने 26,000 के लोगों को ये भोजन करवाया। इसके लिए मैं शहरवासियों की तरफ से इनका आभार प्रकट करती हूँ। और एक बार मैंने भी इन्हें फोन किया था कि भाई साहब, हमें हॉस्पिटल में परेशानी आ रही है कि खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सब मिलाकर लगातार ये संस्था खड़ी हुई है, इसकी जो शहरवासी हैं हमेशा ही कर्जदार रहेंगे। मैं सल्यूट करना चाहूंगी उन सभी योद्धाओं को जो इस घड़ी में अपनी जान को जोखिम में डालकर हम सभी की जान बचाने में लगे हुए हैं। और साथ में मैं अपील करना चाहूंगी उन सभी से जो बाहर के राज्यों से हमारे मंडी शहर में प्रवेश कर रहे हैं, वो प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों की अनुपालना करें। और साथ में मैं आभार प्रकट करती हूँ मंडी शहर की सामान्य जनता का, जिन्होंने लॉकडाउन से लेकर अभी तक जो भी दिशा निर्देश सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा दिए गए, उन्हें निभाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।